नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मीन राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, 14 अप्रैल 2021 दिन बुधवार को सूर्य देव मीन राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि और अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष राशि में सूर्यदेव 13 मई 2021 तक चलायमान रहने वाले हैं, तो इसका प्रत्येक राशि के ऊपर प्रभाव पड़ने जा रहा है। इसका मीन राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो चूंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो मीन राशि वाले जातकों को कई प्रकार की बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और कई जगह से आपको सावधानी भी रखकर चलने की आवश्यकता होगी, जो आगे हम आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, सूर्यदेव का वैदिक ज्योतिष में बहुत ही गहरा महत्व है। नवग्रहों में एकमात्र प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले ग्रह सूर्यदेव ही माने जाते हैं। सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना गया है। जब जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है तो किसी भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस यानी मनोबल, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, सरकारी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी, यह सारी स्थिति सूर्यदेव को देखकर ही जाना जाता है। जन्म कुंडली पर सूर्य की स्थिति यदि सही होती है तो जातक में जातक आकर्षण व्यक्तित्व का धनी होता है। जातक के वाणी में काफी ज्यादा उग्रता होती है, साथ में सूर्य के शुभ प्रभाव से जातक लीडरशिप से जुड़े हुए कार्यों में करने के लिए सक्षम होता है। सूर्य के शुभ प्रभाव से जातक के पिता से संबंध अच्छे होते हैं और मान सम्मान की प्राप्ति निरंतर होती है। वहीं जन्म कुंडली पर यदि सूर्य का पीड़ित प्रभाव होता है तो जातक को ब्लड से संबंधित समस्याएं, मस्तिष्क में घबराहट की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। वहीं विश्वासहीनता देखने के लिए मिलती है। पीड़ित सूर्य के होने पर क्रोध में बढ़ोतरी भी देखने के लिए मिलती है। नवग्रहों में सूर्यदेव एकमात्र राशि सिंह राशि के स्वामी माने जाते हैं। सूर्यदेव क्षत्रिय वर्ण, लाल रंग और पूर्व दिशा के प्रतीक माने जाते हैं। चंद्रमा, मंगल, गुरु सूर्य के परम मित्र, जबकि शनि, राहु, केतु सूर्यदेव के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। सूर्यदेव के बारे में ऐसा भी कहा गया है कि जन्म कुंडली पर यदि कई ग्रह कम प्रभावी अवस्था में हो, केवल एक ग्रह सूर्य की स्थिति यदि सही हो जाए तो जीवन में सूर्यदेव जातक को सब कुछ देते हैं, यानी नाम, शोहरत, सफलता, धन, धर्म, सभी चीजों की आवश्यकता यदि जातक के जीवन में होती है तो उसको सूर्यदेव जरूर देते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं मीन राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। मीन राशि वाले जातकों, आपके राशि के द्वितीय भाव में सूर्यदेव का गोचर होने जा रहा है। राशि के द्वितीय भाव से वाणी, परिवार और धन के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में सूर्यदेव के प्रभावी होने से मीन राशि वाले जातकों को कई प्रकार की सफलताएं देखने के लिए मिलने जा रही है। सबसे पहले इस समयावधि में मीन राशि वाले जातक यदि पूर्व के समय से मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान थे और आपको परेशानी के कारण तनाव की स्थिति बार बार उत्पन्न हो रही थी, यह गोचर आपके मन में ऊर्जा, उत्साह, कॉन्फिडेंस देता हुआ नजर आने वाला है। सूर्यदेव का वाणी भाव में प्रभावी होने से इस समयावधि में आपके वाणी और व्यक्तित्व में काफी ज्यादा आकर्षण रहने वाला है। इस समयावधि में नई नौकरी प्राप्त होने की संभावना आपको देखने के लिए पूर्ण रूपेण मिलने जा रही है। यदि पूर्व के समय से लगातार मेहनत करने के बावजूद भी नौकरी में आपको समस्याएं हो रही थी, उससे आपको निजात देखने के लिए मिल रही थी। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति का अवसर यह गोचर लेकर आया हुआ है। इस समयावधि में आपको सम्मान की और पदोन्नति की प्राप्ति होती हुई नजर आने वाली है। इस समयावधि में मीन राशि वाले जातक यदि व्यापार का संचालन कर रहे हैं तो आप अपने शब्दों पर पूर्ण रूप से ध्यान रखकर अपने सहकर्मियों के साथ आपको पेश आने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि वाणी भाव में सूर्य का गोचर होने से आपके वाणी में कटुता और उग्रता भी देखने के लिए मिल सकती है और वाणी में उग्रता परिवार के सदस्यों के साथ भी आप दिखा सकते हैं।
इस पर आपको पूर्ण रूप से नियंत्रण बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यर्थ के बातों को लेकर आप व्यर्थ में तनाव की स्थिति को जीवन में उत्पन्न ना करें। इस समयावधि में यदि पूर्व के समय से किसी भी प्रकार की बीमारी से आप परेशान हैं, तो सूर्य गोचर के फल स्वरूप आपका स्वास्थ्य काफी ठीक रहने वाला है। काफी हद तक आपको पूर्व के समय से हो रही बीमारियों से लाभ देखने के लिए मिलेगा, और यदि स्वास्थ्य में समस्याएं चल रही थी उससे आपको जरूर निजात देखने के लिए मिलने जा रही है। इस समयावधि में पैसे का लेन देन करते समय आपको पूर्ण रूप से सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों के लिए, परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह गोचर आपकी आशा के अनुरूप परिणाम जीवन में लेकर आने वाला है। इस गोचर से आपको जीवन में बहुत सारे लाभ देखने के लिए मिलने जा रहे हैं। यदि इस समयावधि में किसी भी प्रकार की परीक्षा या इंटरव्यू में आप बैठने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता पूर्ण रूप में देखने के लिए मिलने जा रही है। तो ये तो रहा मीन राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्यदेव के परिवर्तन का शुभ प्रभाव। तो सूर्यदेव उच्चस्त स्थितियों में है, तो मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में इस समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग करना चाहिए और आपको जीवन में प्रदर्शन करके सफलता अर्जित करनी चाहिए। अब जन्म कुंडली पर यदि सूर्यदेव पीड़ित स्थितियों में हो, तो प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करना उत्तम रहने वाला है। रविवार के दिन जरूरतमंद एवं सहाय व्यक्ति को भरपेट भोजन आप जरूर खिलाएं। साथ में गायत्री मंत्र का जप करना प्रत्येक दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। सूर्यदेव की स्थिति को सुधारने के लिए प्रत्येक दिन सूर्यदेव को जल अर्घ दे सकते हैं और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष धर्म और दैनिक राशि फल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं, तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।